नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। हजारों साल पहले मथुरा की जेल में जन्मे कान्हा को इस बार जन्माष्टमी पर मथुरा की जेल में बनी पोशाक ही धारण कराई जाएगी। मथुरा जिला जेल में कैदी अपने भाव से पोशाक बनाने में जुट गए हैं। जन्माष्टमी पर वृंदावन के लाडले ठाकुर जी श्री बाके बिहारी वही पोशाक पहनेंगे। बाके बिहारी जी को पहनाई जाने वाली पोशाक में बिहारी जी का जमादार घाघरा यानी लहंगा, पिछवाए यानी इकलाई, ओढ़नी यानी फरिया, नीचे का बिछौना, कमरबंद, चोटिला और श्री जी का लहंगा और पाग शामिल है। इसके अलावा श्री अंग के गहने, आभूषण, मुकुट, मोर पंख और लकुटी बंसी आदि अलग श्रृंगार होते हैं। मथुरा की जेल में भगवान कृष्ण की पोशाक कैदी बनाते रहे हैं। इस बार कैदियों ने जेल अधीक्षक से अपनी इच्छा जताई थी कि यदि मंदिर के सेवायत अनुमति दें तो जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्री बाके बिहारी जी को पहनाई जाने वाली पोशाक जेल में ही बनवाई जाए। जेल अधीक्षक ने मंदिर प्रबंधन से बातचीत की, सेवायत गोस्वामियों ने अनुमति दे दी तो कैदियों ने मिलकर उत्साह और स्नेह भक्ति के भाव से बिहारी जी के लिए पोशाक तैयार की। कुल मिलाकर 8 बंदियों ने ये पोशाक तैयार की है। इसे बनाने में 1 सप्ताह से ज्यादा का समय लगा है। बुधवार शाम 5 बजे प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति श्री बाके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। जेल अधीक्षक मथुरा के साथ मुख्य पुजारी जी को बंदियों द्वारा निर्मित पोशाक सौंपेंगे। हर साल की तरह इस बार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर भक्तों में कंफ्यूजन है। जन्माष्टमी का त्योहार 2 दिन मनाया जाता है, एक दिन गृहस्थ जीवन वाले और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय वाले जन्माष्टमी मनाते हैं। इसलिए 6 और 7 सितंबर दोनों दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर और वैष्णव संप्रदाय वाले 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। साधु संत और सन्यासियों में कृष्ण की पूजा का अलग विधान है। शास्त्रों में पंचदेवों के उपासक यानी स्मात संप्रदाय के लोगों के लिए कृष्ण की उपासना अलग अलग तरीके से बताई गई है। इस दिन दही हांडी का उत्सव भी मनाया जाता है। रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर 2023 को सुबह 9:20 से शुरू होकर 7 सितंबर 2023 की सुबह 10 बजे खत्म होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।